अकेला रह जाऊंगा भाई, मुझको बहुत डर लगता है भाई। वो ऐसे घनघोर जंगल है यहाँ के, कहीं भालू शेर निकल गया तो लो जी न्यू जी इसमें होते बाबे। न्यू जी इसमें होते हैं ना? नहीं वो दूसरा होता है, ये तो गाँव के हैं। कौन से बोलते हैं आपके? वो रहा है सीधा पाए फूल निकल रहे गिरने हार्ड हार्ड वो प्यास नदी। और हम कितनी हाइट पे इस टाइम? हेलो गाइस, हम जस्ट मूविंग टू बिजली महादेव बाय ट्रैक एंड इट इज अबाउट 1.5 आवर टाइम इट विल टेक टू रीच अस एट बिजली महादेव टेंपल। सो काइंडली बी रेडी टू सी द बिजली महादेव ब्यूटी। ओके गाइस, ओए बाबे देख 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 कैप्चर कैप्चर कैप्चर। हमारे को बंदा मिलने आया था, महादेव ने भेजा था ना, मिस्टेक कर गया। और मैं और पीयूष बढ़िया अपना हिमाचली स्वैग लेके फुल सुहा हुआ है इस टाइम। यूट्यूब गलों पे आए पड़े हैं इस टाइम, इतनी हाइट है यहाँ से आप खुद ही देख सकते हो कितने ऊपर है। आज भोलेनाथ का बुलावा था और हम पहुँच गए, पहुँच गए। हमने सोचा भी नहीं था, हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। और मैं तो अंदर ही अंदर इतना एक्साइटेड होता आ रहा हूँ कि क्या बताऊँ सकते हैं आपको अभी, क्या बताऊँ आप खुद देख लीजिए। बस ये खुशी हमारे चेहरे पे तो पता नहीं दिख रही होगी कि नहीं, पर एक बार जब हम पहुँच जाएंगे हमारे दिल को तसल्ली मिलेगी भोलेनाथ के पास और भोलेनाथ के शरणों में। और हमारे साथ तीन भाई और हैं, हम दो ही नहीं हैं, हम पांच बंदे हैं, पांच ब्रदर हैं। अपने दो भाई तो और हैं और मैं कैमरामैन भाई नहीं दिख रहा पीछे। और ये लग गया टापो टाप पहले के साथ, और मैं और पीयूष यहाँ पे साथ साथ बढ़िया मजे मारते हुए सबसे टॉप में ध्वज लहराते हुए। हाँ, पहाड़ी कमांडो हर कहीं हंडो, बाकी जय शंकर महाराज। बुला दिया आज भाई। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि हम बिजली महादेव मंदिर में एंड ऑफ पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ से जो हम एंट्री करते हैं नीचे से, वहाँ पे दो रास्ते हैं। तो एक तो पक्का रास्ता जो सीढ़ियों में जो आप देख रहे हो जिस रास्ते से हम आ रहे हैं, और दूसरा रास्ता वो उस साइड है जी जो आप गाय घोड़े बिल्कुल तो देख रहे हो, वो कच्चा ट्रैक है। बिल्कुल आपको एंड ऑफ पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर में 2 या 3 में हम पहुंचने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात आप जहाँ पे जो आप जहाँ का नज़ारा जहाँ का व्यू बिल्कुल हाइट पे, हम आपको यहाँ पे जो अटल टनल के ऊपर जो पहाड़ी है बिल्कुल सर आपको क्लियर दिखाई दे रही है जी। आपको आइस दिखाई दे रही है, वहाँ पे गिरी हुई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। मैं कहता हूँ दोस्तों एक बार पक्का आओ और जहाँ पे विजिट करो, आपको पक्का जो आपका एक्सपीरियंस होगा आपको पता लग जाएगा कि जहाँ पर क्या चीज़ है। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त भी मौजूद है और जो कि काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं महादेव के द्वार पर। और अनिकेत जी हमें मिलवाएंगे अपने सभी दोस्तों से, तो स्वागत है अनिकेत जी आपका। हाय हाय, हम लोग सब दिल्ली से आए हैं और हमारी 7 दिन की ट्रैक हो चुकी है अभी तक। हम खीर गंगा भी गए हैं, तोश, बिजली महादेव हम लास्ट में आए हैं और ये सबसे बेस्ट रहा है। यहाँ से व्यू सारी चीज़ें किलोंग डारचा सारी जगह देखी, बट ये सबसे बेस्ट है। यहाँ से हम ट्रैक करके लेह लद्दाख जाएंगे। हम यहाँ पे आए, यहाँ सबसे बेस्ट ये है कि ट्रैक सारी खड़ी है, आप आओगे तो पहले से रेडी होके आना सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। और ये सब हमारे दोस्त हैं, हम सब दिल्ली से आए हैं। एक नंबर का व्यू है, व्यू बहुत अल्टीमेट है, बहुत अच्छा है। और लैंडस्केप भाई को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इस वीडियो जरूर करें, मेहनत कर रहे हैं भाई। भाई नीचे से ब्लॉगिंग करते हुए आ रहे हैं, ऊपर तक आए हैं, महादेव के दर्शन करें और आगे प्रकृति का आनंद लें। भाइयों अगर जिंदगी
भाइयों, अगर जिंदगी को एंजॉय करना है तो बिजली महादेव जरूर आए और नीलकमल ब्लॉग को जरूर फॉलो सब्सक्राइब सब करें। कुछ नई चीज एक्सप्लोर करनी है तो इस ट्रैक पे जरूर आए, आपको बहुत ही एडवेंचर मिलेगा। आप बीच रास्ते में नई नई चीजें, बहुत अच्छी सीनरी, बहुत अच्छे फ्रेम मिलेंगे, तो जरूर एक्सप्लोर करने आए। एंड हिमाचल प्रदेश, वी लव यू, वी लव यू हिमाचल प्रदेश। बोले जयकारा वीर बजरंगी, हर महादेव। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर हर महादेव भाई दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं मेरे दोस्त, जो कि सोलन से यहाँ पर घूमने आए हैं और कर रहे हैं बिजली महादेव में अपनी इस यात्रा का भरपूर आनंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 7874 फुट की ऊंचाई पर। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर आसमान से बिजली गिरती है, जो कि कभी ध्वजा पर तो कभी शिवलिंग पर गिरती है। दोस्तों, जब पृथ्वी पर, कहा जाता है दोस्तों कि जब भी पृथ्वी पर भारी संकट आने लगता है या आन पड़ता है, तो दोस्तों भगवान शंकर जी जीवों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर पड़े भारी संकट को सृष्टि रूपी लिंग पर अपने ऊपर बिजली प्रारूप द्वारा सहन करते हैं, जिससे बिजली महादेव यहाँ विराजमान है। जय शंकर की। दोस्तों, इस वक्त हम बिल्कुल पहाड़ी के शीर्ष पर है और दोस्तों यहाँ पर हम बिजली महादेव में बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। दोस्तों, बाकी हाल मेरे दोस्त आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और मैं बहुत ही खुश हूँ, काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस बिजली महादेव में पहुंचा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं बिजली महादेव आया हूँ और यहाँ का नेचर बहुत ही अति सुंदर है, जिसके बारे में मैं आपको प्रोनाउंस नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं, जस्ट सी प्लीज। हेलो दोस्तों, मुझे यहाँ के बिजली महादेव बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। शंकर, मैं कुछ कह नहीं सकता, कुछ कहने के लिए जवाब ही नहीं है, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रिप था ये जिंदगी का, वो भी मेरे दोस्तों के साथ, और वो भी इतना हसीन ट्रिप रहा। महादेव की दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बिजली महादेव के बिल्कुल सबसे ऊंचे पहाड़ पर और दोस्तों यहां से हम आपको दिखाएंगे कुल्लू भुंतर और साथ में बहने वाली ब्यास नदी का बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा अपने दोस्तों की फीलिंग। तो दोस्तों, कैसा फील कर रहे हो? और जो दोस्त हमारे इस वक्त नहीं आए हैं इस ट्रैक पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? हम बहुत मिस कर रहे हैं। दोस्तों, देखिए यहाँ से आपको भुंतर हवाई अड्डा भी देखने को मिलेगा, साथ में बह रही है दोस्तों ब्यास नदी और यहाँ से साथ ही आप एंजॉय ले सकते हो दोस्तों कुल्लू की हसीन वादियों का। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।